ध्यान के लिए उपयुक्त स्थानों का निर्देश जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि और बालू से रहित तथा शब्द, जल और आश्रय आदि से शून्य हो, मन के अनुकूल हो एवं नेत्र को पीड़ा देने वाला न हो, ऐसे गुहा आदि वायुस्थान वायुशून्य स्थान में मन को युक्त करे। समय इत्यादि सम यथार्थ जो देश ऊंचाई निचाई से रहित हो तथा जो शुद्धि सूची शुद्ध हो, शर्करा अग्नि और बालू से रहित हो, शर्करा छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को और बालू उनके चूरे को कहते हैं तथा शब्द जल और आश्रय आदि से भी शून्य हो, यानी शब्द कलह आदि के कोलाहल समस्त प्राणियों के उपयोग में आने वाले जल मतलब पन घट और आश्रय जल जन साधारण के ठहरने के स्थान से रहित हो, मनोनुकूल मनोरम हो, नेत्र को पीड़ा पहुंचाने वाला यथार्थ जहाँ कोई विरोधी सामने न हो, यथा यहाँ चक्षु पीड़ने में चक्षु के विसर्ग का लोप वैदिक है, ऐसे गुहादि एकांत और वायु शून्य स्थान में बैठकर चित्त को प्रयुक्त करे अर्थात परमात्मा में लगावे। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण अब निहार इत्यादि मंत्र के द्वारा योगाभ्यासी को प्रकट होने वाले ब्रह्मा भी व्यक्ति के पुनः चिन्ह बताए जाते हैं। योगाभ्यास आरंभ करने पर पहले अनुभव होने वाले कुहरे, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनु, विद्युत, स्फटिक मणि और चंद्रमा इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति करने वाले होते हैं। निहार कुहर को कहते हैं। प्राणों के सहित चित्त वृत्ति कुहरे के समान प्रवृत्त होने लगती है, उसके पश्चात धुआं सा भासने लगता है, फिर सूर्यवत और उसके पश्चात वायु सा प्रतीत होता है, तदनंतर वायु अग्नि के समान अत्यंत उज्ज्वल एवं प्रकाश और दाह करने वाला जान पड़ता है तथा बाह्य वायु के समान अत्यंत शुभित होकर बड़ा बलवान जान पड़ता है। कभी जुगनुओं से जगमगाता हुआ सा आकाश दिखाई देने लगता है, कभी विद्युत के समान तेजोमय वस्तु दिखाती है, कभी स्फटिक का आकार दिख पड़ता है और कभी पूर्ण चंद्रमा सा दिखाई देता है। ब्रह्मानुसंधान के प्रयोजन से किए जाने वाले योग में ये सब रूप पहले दिखाई देते हैं, इसके पश्चात परम योग की सिद्धि होती है। रोग, जरा और अकाल मृत्यु पर विजय पाने के चिन्ह। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अभिव्यक्ति होने पर यथार्थ पंचभूतमय योग गुणों का अनुभव होने पर जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था प्राप्त होती है और न उसकी असामयिक मृत्यु ही होती है। शरीर का हल्कापन, निरोगिता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक क्रांति की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, सुगंध और मलमूत्र की न्यूनता, इस सब को योगी की पहली सिद्धि कहते हैं। इस पद से समाहर द्वंद्व समाप्त संबंधी एक वृद्धात्व द्वारा पृथ्वी आदि पांच भूतों का निर्देश किया गया है। उस पंचो भूतों के प्रकट होने पर यथार्थ पंचात्मक योग गुण के प्रवृत्त होने पर इस प्रकार ये इसकी व्याख्या है। वह कौन योग गुण प्रवृत्त होता है सो बताते हैं। गंधवती पृथ्वी का गुण, गंध उस योगी को अनुभव होता है तथा जल से रस की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार अन्य भूतों के विषय में समझना चाहिए। कहा भी है ज्योतिषमती, स्पर्शवती और रसवती तथा इनसे भिन्न एक गंधवती यह योगी के चार वृत्तियां कही गई है। इस योग प्रवृत्तियों में से यदि एक भी प्रवृत्ति हो जाए तो योगी जन उस साधक को योग में प्रवृत्त हुआ बताते हैं। उस योगी को न रोग होता है, न वृद्धावस्था आती है और न मृत्यु का ही उस पर प्रभाव होता है। किसे? जिसे योगाग्निमय शरीर प्राप्त हो गया है, यथार्थ जिसे ऐसा शरीर प्राप्त हो गया है कि जिसके दो समूह योगाग्नि से भस्म हो गए हैं। शेष 13वें मंत्र का अर्थ स्पष्ट है।